सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मपट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको चार शिवजी के मंत्र बताऊंगा। अगर आप श्रावण में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अलग अलग चार द्रव्य चढ़ाने के बाद उसके अलग अलग मंत्रों का जाप किया जाता है। और अगर आप ये जाप करते हैं तो ये श्रावण में काफी फलदायी रहेगा। हो सके तो सोमवार को आप ये विधि अवश्य करें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी हुई है। मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जाप कैसे किए जाते हैं। ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जाप हमेशा शास्त्र सम्मत तरीके से ही करने चाहिए, तो इसका फल आपको कई अधिक गुना मिलेगा। और श्रावण के सोमवार में हो सके तो जाप तो आप अवश्य कीजिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहली बात है कि जब भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शुद्ध एवं सटीक तरीके से करें, क्योंकि हमारे मुंह से जो जाप निकलते हैं उसके भी पांच स्थान एवं पांच तत्व कहे गए। जैसे कि हमारे होठ है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी जीभ यानी कि जीभ जल तत्व को दर्शाती है, हमारे दांत अग्नि तत्व को दर्शाते हैं, हमारा जो तालु होता है वायु तत्व को, और हमारा कंठ आकाश तत्व को दर्शाता है। इसलिए मंत्र जाप जब भी हम करते हैं तो हमारा ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर इससे काफी प्रभावित होता है। शरीर का जो हमारा प्रधान अंग है वो मस्तिष्क है, और उसमें दो तरह की शक्तियां कार्य करती है विज्ञान के अनुसार भी। एक है विचार करने की शक्ति और दूसरी है कार्य करने की शक्ति। इन दोनों का जो मूल स्थान है वो मस्तिष्क है, जिसे मस्तोलिंग भी कहते हैं। सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखें, सबसे श्रेष्ठ जाप करने का जो तरीका है वो मानसिक जाप है। मानसिक जाप का अर्थ है कि जब भी आप जाप करें ना तो आपके मुंह से आवाज निकले ना तो आपके होठ फड़फड़ाए। इस प्रकार से अगर आप मन में चिंतन करते हुए जाप करते हैं तो उसको मानसिक जाप कहते हैं। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मानसिक जाप करने से जो फल मिलता है अन्य जप से कई अधिक गुना मिलता है। दूसरी बात, जब भी आप जाप करें तो हाथ में स्वर्ण की अंगूठी या तो कुश की अंगूठी भी धारण करें, इससे भी आपका जो फल है वो कई अधिक गुना बढ़ जाएगा। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरों के आसन पर बैठकर कभी भी जाप ना करें, अपना आसन खुद अलग से रखें। चौथी चीज है कि अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाप कर रहे हैं तो आपको कुश या तो लाल कंबल से बने आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। अगली बात, जाप काल में आलस रखना, निंद्रा, थूकना, छींकना, भय रखना, वार्तालाप करना, क्रोध आना, ये सब वर्जित है। अगर आप थोड़े जाप करते हैं उसके बाद अगर आप एक बार भी क्रोध करते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा क्रोध करने में ही नष्ट हो जाती है। अगली बात कि जब भी आप जाप समाप्त कर ले उसके बाद आपकी आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क दे और उसको अपने मस्तक के ऊपर लगा ले, क्योंकि पौराणिक मान्यता ऐसी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जाप का जो फल है वो स्वयं इंद्र ले जाते हैं। अगली चीज है कि स्नान करने के बाद ही जाप करें, माथे ऊपर तिलक लगा के ही जाप करें। शिव के संबंधित अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप भस्म का त्रिपुंड आप अवश्य कर लीजिए, अगर त्रिपुंड नहीं कर सकते तो सिर्फ बिंदी छोटी सी आप लगा लीजिए। पूर्व और उत्तर ये दोनों में से एक दिशा में ही आप बैठकर जाप कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो दिशा कही गई है वो पूर्व दिशा है जाप के लिए। अभी आपको बता रहा हूँ कौन से मंत्र है और कब चढ़ाने, कब कौन सी चीज चढ़ाने के बाद आपको इसका जाप करना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग का जलाभिषेक कर दे उसके बाद शिवलिंग को दूध से स्नान कराइए, और उसके बाद 108 संख्या है इस मंत्र का आप जाप करें रुद्राक्ष की माला से, ओम हिम ईशानाय नमः। उसके पश्चात शिवलिंग के ऊपर आप दधि चढ़ाए यानी कि दही से भगवान को आप स्नान कराइए। स्नान कराकर ओम हिम अघोराय नमः इस मंत्र के कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। उसके तुरंत बाद शिवलिंग को द्रुत यानी कि घी से आप स्नान कराइए, और मंत्र जाप करना है ओम हिम
वामदेवाय नमः। इसके बाद आप शिवलिंग को मधु यानी कि सहस से स्नान कराइए और इसका मंत्र है ओम हिम सद्यो जाताय नमः। ये मंत्र से अगर आप भगवान को प्रसन्न करते हैं तो अवश्य शिव जी प्रसन्न होते हैं। जो भी करें आप शास्त्रम सम्मत तरीके से ही करें, अगर आप शीघ्र इसका फल चाहते हैं। अगर आप निष्काम पूजा करते हैं तो फल की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। तो इस प्रकार से ये चार मंत्र है जिसका प्रयोग करके आप शिवलिंग की पूजा अवश्य कीजिए। सारे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा और आप अवश्य हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच।